असलम एंड वेलकम टू माई चैनल आज के ब्लॉग में मैं आपको थोड़ी बहुत कुकिंग सिखाने जा रही हूँ मतलब टाइम सेविंग कुकिंग्स जो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होती है तो सबसे पहले तो मैं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में आज पेन केक्स बना रही हूँ ये पेन केक्स मैं जो हूं बने बनाए लेकर आई हूँ लिदिल से लिदिल शॉप को मैं विज़िट करा चुकी हूँ लेकिन एक दफ़ा फिर मैं करा दूँगी आप लोगों को तो ये मिक्सर है एक मैदे का उसमें बेकिंग पाउडर और कुछ डिफरेंट चीज़ें मिक्सअप हुई हैं लेकिन सब हलाल है और यहाँ मैंने दो कप्स में मिल्क निकाला क्योंकि हमें टू और टू हंड्रेड मिल्क चाहिए यानी टोटल फोर हंड्रेड मिल्क चाहिए लेकिन हमें दो अलग अलग बैटर रेडी करने हैं यानी मिक्सचर से रेडी करने हैं एक बोल में मैंने टू मिल्क ऐड करके इसमें मैंने एक अंडा ऐड किया है और इसको मैं विक्स की मदद से मिक्सअप कर दूंगी फोक या विक्स की मदद से होता है कि अंडा जो है अच्छे से मिक्सअप हो जाता है इसको अच्छे से मिक्सअप करने के बाद इसको थो थो थो, मुझे साइड में रखना है और साइड में रखने के बाद मैं दूसरा बैटर रेडी करूंगी दूसरे बैटर में हमें ये करना है कि दूध थोड़ा थोड़ा करके मिला लें या एक खट्टा मिला लें लेकिन ये जो आपके पास ड्राई मिक्सचर है इसको आपको इसके अंदर मिक्सअप करना है यानी कि दूध में मिक्सअप करना है इसको इसलिए मिक्सअप करना है ताकि लम्स ना पड़ें और लम्स जो हैं वो ईजिली डिजॉल्व हो जाएं और ये मतलब एक स्मूथ बैटर रेडी हो जाए तो यहाँ मैं बाकी सारा मिल्क भी इसी के अंदर ऐड करके थोड़ा थोड़ा करके इस बैटर को भी रेडी कर रही हूँ और इस बैटर को रेडी करने के बाद जो मैंने एग वाला मिक्सर रेडी किया है वो मैं इसके अंदर मिक्सअप कर लूँगी और मिक्सअप करने के बाद इसको अच्छे से मिक्सअप करना है ऐसा कि इसमें नहीं आने चाहिए इतना मिक्स करना क्योंकि लम्स आ जाते हैं तो फिर पेनकेक अच्छे नहीं बनते तो यहाँ मेरा बैटर स्मूथ सा रेडी हो गया अब मैं इसको बनाना आपको बताती हूँ तो नॉर्मली ये बटर लेकर थोड़ा सा बटर लेना है उसको आपको नॉन स्टिक पैन पर उसको फैला देना है मतलब उसको अप्लाई करना है नॉन स्टिक पैन पर और उसके बाद मैं यहाँ जो दो डिश के चमचे हैं वो बैटर के इसके ऊपर डाल रही हूँ एज पेन केक का बैटर है यह उसको अच्छे से फैला दें क्योंकि इससे पेनकेक की जो एक फॉर्म है वो आ जाएगी राउंड फॉर्म और ये पतले पतले से पेन बनेंगे एक साइड को पहले आपको फ्राई करना है फिर दूसरी साइड को फ़्राई करना है नॉर्मली तो ये है कि के पेन केक ना मैं शौक से खाती ना मेरी बेटियाँ शौक से खाती हैं लेकिन ये मुझे मिक्सचर ख़त्म करना था तो मैं सोचा आज मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में हम पेन केक ही रेडी कर लेते हैं तो यहाँ मेरा पेनकेक रेडी हुआ तो फिर हमने इसको मैंने इसको चाय के साथ खाया था इलायची की चाय बनाई थी उससे खाया था यहाँ मैंने दोबारा आपको बता रही हूँ कि मैंने बटर रेडी किया लगाया इस पर तवे पर और दो स्पून जो है मैं ये डिश के ये लगा डाल दिए हैं बैटर के और इसको मैंने राउंड कर दिया और पतला भी कर दिया और जब ये एक साइड से फ्राई हो जाएगा तो उसके बाद हम दूसरी साइड से इसको फ्राई करेंगे तो बिल्कुल मीडियम मतलब लो फ्लेम पे हम इसको फ्राई करते हैं तो यहाँ एक साइड फ्राई हो गई है और दूसरी साइड मैं फ्राई कर रही हूँ दोनों साइड्स यहाँ फ्राई हो गई हैं नॉर्मली मैंने पेन के चॉकलेट स्प्रेड के साथ खाया था अब इसके ऊपर चॉकलेट स्प्रेड लगा के हमने इसको एंजॉय किया था क्योंकि ये वैसे इतने खास टेस्ट में नहीं होते सॉल्टी सॉल्टी इस टाइप के होते हैं तो मैंने इसलिए चॉकलेट स्प्रेड लगा दिया था या विप क्रीम लगा दिया अब उसके साथ खा लो थोड़े फ्रूट भी ऐड कर दें तो यही अच्छा लगता है अदरवाइज इतने खास नहीं लगते खैर पेन केक ना मैं शौक से खाती मैं आपको बता चुकी हूँ ना मेरी बेटियाँ शौक से खाती इसलिए हमारे ब्रेकफास्ट में नॉर्मली जो पराठे ही होते हैं मैं ब्रेड भी पहले खा लेती थी अब नहीं खाती शौक से तो खैर ये था पेन केक जो हमारा क्विक जो है टाइम सेविंग एक रेसिपी थी ब्रेकफास्ट के लिए या इवनिंग रेसिपी इसके अलावा मैंने ये बनाए थे कुछ ब्रेड पिज़ाज़ लेफ्ट ओवर चिकन से ये जो ब्रेड है ये मैंने स्टॉक ब्रेड है छोटी छोटी सी मिनी मिनी सी ये मैंने अल्बर्टाइन से खरीदी थी तो मैंने इसको छुरी की मदद से छोटे छोटे से इसके पीसेस कर दिए मतलब इसको मिट से कट कर लिया और कट करने के बाद नॉन स्टिक ट्रेम में इसको मैंने सेटअप कर दिया था ताकि सारी एक साथ सेटअप हो जाए उसके बाद इस पर कैचप लगाया था कैचअ के अलावा जो भी सॉस लगाना चाहे लगा सकते हैं मैंने बस बच्चों की वजह से बनाया था तो कैचअप लगा दिया था चूँकि चिकन काफ़ी सारा रखा हुआ था तो फिर मैंने जो है इसके कैचप ट करने के बाद चिकन के छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे और वही चिकन सारा इसके ऊपर लगा दिया था क्योंकि वो ख़त्म करना था ज़ाहिर सी बात है और वो ऐसे कोई खा नहीं रहा था और चिकन आप लगा दें जो भी लेफ्ट ओवर आपके पास रखा हुआ है वो अप्लाई कर दें इसके ऊपर नॉर्मली आपको इसके अलावा कुछ अप्लाई नहीं करना क्योंकि चिकन पका हुआ है इसके ऊपर मसाला भी है सारा जो भी आपने बनाया था उस पर मैं चीज़ अप्लाई कर रही हूँ और चीज़ अच्छे से इस पर कवर कर दें ताकि ये पिज़्ज़ा की शेप में आ जाए ब्रेड ना स्टॉक ब्रेड है पिज़्ज़ा की शेप में आ जाएगी तो और मज़े की लगेगी फिर मैंने इसको बेक कर लिया था ओवन में एक और पीस मैंने बग़ैर चीज़ के ब्रेड बेक किया था और उसके ऊपर मैं लगाने वाली हूँ ये क्रीम चीज़ क्रीम चीज़ असल में यहाँ पे हम लोग बहुत शौक से खाते हैं बहुत मज़े की होती है तो ये क्रीम चीज़ मैं क्रीम चीज़ इसके ऊपर आप सिंपली अप्लाई कर दें ये बहुत मज़ेदार लगता है जब ब्रेड को आप हल्का सा बेक करके उस पर क्रीम चीज़ ला के खाते हैं क्योंकि मेरी बेटियाँ तो बहुत शौक से खाती हैं क्रीम चीज़ वाली ब्रेड और मुझे भी बहुत अच्छी लगती है ये सब मील्स थे बच्चों के लिए जो सिंपल से थे बर्फ़ टाइम सेविंग थे इसके बाद मैं अपनी बेटी की नोज़ में ये स्प्रे कर रही हूँ क्योंकि इसको फ्लू हुआ है फ्लू तो मुझे भी हुआ हुआ है हम यहाँ स्प्रे करते हैं स्प्रे को अच्छे से साफ़ कर देते हैं और उसके मैंने सर पे कपड़ा इसलिए रखा है क्योंकि अक्सर स्प्रे नाक में के बजाय आँख में चला जाता है बच्चों की आंखें जो है उसकी से सूजें लगती हैं तो इसलिए आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं अक्सर बच्चों की आंख के ऊपर ही कपड़ा रख के स्प्रे करती हूँ खैर मैं आपको मैं स्प्रे की डिटेल बता रही हूँ यहाँ पे थ्री टाइप्स के स्प्रे हमें मिलते हैं एक जो होता है वो समंदर का पानी होता है वो जस्ट न्यू बॉर्न के लिए होता है वैसे तो बड़े भी इसको यूज़ कर सकते हैं बस ज़्यादातर वो न्यू बॉर्न के लिए ही यूज़ किया जाता है बाकी के दो स्प्रे जो होते हैं वो केमिकल रिलेटेड होते हैं मतलब उसमें कोई दवाई होती है जिसकी वजह से जो हम हमें वन वीक के लिए अलाव होता है मतलब अगर वन वीक तक आप दो स्प्रे करते रहें तो आपकी नाक जो है वो सही फ्लू दूर हो जाता है मतलब हमें मेडिकल वाले कहते हैं कि आपको इससे नाक को फ्लश करना है फ्लश कि आपको नाक को साफ़ करना है जितना जल्दी आप बलगम को नाक का जो गंद होता है उसको निकालेंगे उतना जल्दी जो है आपकी नाक जो सही हो जाएगी फ्लू दूर हो जाएगा उसके अलावा ये बाम होता है हम लोग ये भी लगाते हैं टाइगर बाम जिससे फ्लू जो होता है वो उस पर काफ़ी असर पड़ता है और हमारे नाक का जो प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व हो जाता है वैसे तो डॉक्टर यहाँ पे हमें ये कहते हैं कि आप नाक को जितना ज़्यादा साफ़ करेंगे वो उतनी जल्दी आपकी नाक सही हो जाएगी मतलब जितना भी हमारे नाक के अंदर बगाम होता है अगर हम उसको वक्ता फवक्ता निकालते रहें तो हमारी नाक जो होती है वो जल्दी सही हो जाती है फ़्लू वग़ैरह जो भी बीमारी होती है वो ठीक हो जाती है यही फ्लू अगर हमारे गले में चले जाए तो इससे खांसी हो जाती है मतलब खांसी से गले ख़राब से नहीं होती फ्लू से होती है तो वो भी इसी ठीक हो जाती है बच्चों के लिए नॉर्मली ये विक्स देते हैं तो हम लोग तो खैर टाइगर बाम लगा देते हैं बच्चों को भी और ख़ुद भी टाइगर बाम लगाते हैं इसके अलावा आई थिंक ये स्प्रे पाकिस्तान में भी अब यूज़ कर रहे हैं लोग हाँ मैं आपको वॉफल मेकर प्लस सैंडविच मेकर मशीन दिखा रही हूँ अपनी के मैं वॉफल और सैंडविच किससे बनाती हूँ ये मशीन टू इन वन है इससे हम सैंडविच भी बना सकते हैं बच्चों के लिए बड़ों के लिए और वॉफल भी बना सकते हैं बच्चों के लिए बड़े बड़ों के लिए मैं इसे काफ़ी सारे वॉफल्स बना चुके हैं हमने बहुत शौक़ से खाए हैं इसकी जो ट्रे होती है ना असल में इसका लॉक हटा कर हमें ट्रे को हटाना होता है अगर हम वॉफल ट्रे लगा देते हैं तो फिर ये वॉफल मेकर बन जाता है और अगर आप इसमें सैंडविच की ट्रे लगाएंगे तो सैंडविच मेकर बन जाता है तो मैं ऑफ़र भी बहुत बनाए इससे और सैंडविचेस भी बहुत बनाए बहुत जल्दी बन जाते बहुत अच्छे बनते हैं ये असल में हमने थोड़ी महंगी ले ली थी टू इन वन थी लेकिन ये कि बहुत यूज़फुल रही है ये तो शाम के वक्त मैं आपको बता रही हूँ कि मैं सैंडविच कैसे बनाती हूँ तो मैंने मशीन को स्टार्ट कर दिया इसकी ऑरेंज लाइट स्टार्ट हो गई है और मेरी ब्रेड ख़राब हो जाए उससे पहले मैं जो हूं चार ब्रेड के पीसेस लेकर उसको मशीन पर रख कर इसे फोर सैंडविचेस बना रही हूँ दो बच्चों के लिए दो बड़ों के लिए तो बच्चों के लिए मैंने यहाँ मायनेस लगा दी है क्योंकि बच्चों को मायनेस कैचअप ही पसंद आते हैं बाकी सॉस उनको पसंद नहीं आते हैं तो मायनेस कैचअप लगाने के बाद जो है बड़ों के लिए मैं कोई डिफरेंट सॉस लगाऊँगी नॉर्मली तो हम लोग समरा सॉस चौक से खाते तो यहाँ मैं वही लगाने जा रही हूँ सॉस अच्छे से लगा दें इसमें क्योंकि इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है और ये तो मुझे बहुत पसंद है सॉस समराई और इसके बाद इसके ऊपर मुझे रखना है कुछ कबाब यानी कि मैंने एक्चुअली सैंडविच के लिए पहले से ही शामी कबाब और जो चिकन और पोटैटो कटलेट्स होते हैं वो रेडी कर लिए थे उनको यानी कि फ्राई भी कर लिया था हल्का सा और ये पोटैटो कटलेट्स और चिकन कटलेट्स जो है मैं बच्चों के लिए रख रही हूँ शामी कबाब अपने लिए रख रही हूँ तो हम दो बड़े लोग जो हैं वो शामी कबाब वाला सैंडविच खाएंगे और दो छोटे बच्चे जो हैं वो कटलेट्स वाला खाएंगे और मैं यहाँ कबाब को और कटलेट्स को इस तरह ता, इस तरह से स्प्रेड कर रही हूँ स्पून की मदद मतलब से क्योंकि ये गर्म भी है इस वक्त और ये जब हम पूरी ब्रेड पे स्प्रेड कर देंगे तो ये अच्छे से जो यानी सैंडविच में अच्छा टेस्ट आ जाएगा वरना एक ही जगह रह जाएंगे सैंडविच के अंदर ही कबाब वग़ैरह तो अच्छे से स्प्रेड कर दिया है और क्योंकि सैंडविच मेकर जो है मेरा रेडी है और ये हीट अप हो रहा है तो जल्दी जल्दी मैं जो हूँ अब नेक्स्ट स्टेप ये कर रही हूँ कि बाकी की जो चार ब्रेड हैं जो उसके ऊपर मुझे ओवरलैप करनी है तो वो उनके ऊपर मैं हल्का सा कैचप लगा रही हूँ दो पीसेस पर मैंने जल्दी जल्दी कैचप लगा कर और जल्दी से इनको कवर कर दिया है और बाकी की दो ब्रेड पर मैं हल्का सा यानी कि ज़्यादा नहीं, नहीं हल्का सा बस माई सॉस ऐड कर दूँगी और वो इनको कवर कर दूँगी ऐसे क्योंकि कवर करेंगे जब भी हमारे सैंडविच अच्छे बनेंगे तो इसको कवर करने के बाद सैंडविच मेकर को मुझे बंद करना है यहाँ पर ठीक है बंद करने के बाद मुझे इसकी लाइट पे नजर रखनी है ये ऑरेंज लाइट है जब ये ग्रीन हो जाएगी तो फिर मुझे इसको खोलना है भाई ये तो मेरा सैंडविच रेडी हो गए हैं तो मैंने देखा ग्रीन लाइट हुए बगैर सैंडविच रेडी हो गए थे तो मैंने सोचा कि इनको निकाल के सर्व किया जाए और फिर हमने ये सैंडविचेस इन्जॉय किए थे शाम के टाइम बच ये सैंडविच बहुत आसानी के साथ बन जाते हैं बहुत मज़े के बनते हैं आपने देखा कितने कम टाइम में रेडी हो गए थे ये सैंडविचेस खैर मैं आपको आखिर बस इतना कहूँगी आज के फ्लॉग में इतना ही आपको होप्स हो कि मेरी आज की जो टाइम सेविंग रेसिपीज़ हैं बच्चों के लिए बड़ों के लिए पसंद आई होंगी अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हाफिर